दोस्तों पहले तो आपसे ये कहना चाहेंगे कि हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। दोस्तों मैंने ये पंप को बाटी से खोल लिया है। इसमें दोस्तों कोई टी होती नहीं, इसलिए इसको हम ऊपर करके खोल देंगे। इसके बाद में पाइप को ऊपर ही बांध देंगे। क्योंकि नीचा रहेगा तो डीजल बाहर निकलने लगेगा। अब ये पंप है, पंप में एक छेद होता है, उसमें लाग लगाकर और कोई भी तीली डालकर लाग को निकाला जाता है। हम आपको दिखा रहे हैं, आप वीडियो पर बने रहें, हम पूरी जानकारी देंगे कि क्यों उतारता है और कैसे रुकेगा उतरना। ये लाग होता है, इसको पेचकस से निकाला जाता है। अब इसका हम राकर खोल लेंगे। अब इसका दोस्तों हम बिंजो खोल लेंगे, टॉप वाला। डिलीवरी वाल इसी के नीचे होती है। ये डिलीवरी वाल हम निकाल रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं। ये दोस्तों डिलीवरी वाल। ये डिलीवरी वाल का पूरा सेट है। ये प्लंजर है, ये प्लंजर का सेट हम आपको दिखा रहे हैं। इस राड पर निकिल होती है, वही निकिल काम करती है। ये है दोस्तों सीट, ये सीट पंप की कट जाती है, फिर प्लंजर डीजल उतारना शुरू कर देता है। दोस्तों ये बहुत बारीक जानकारी हम आपको बता रहे हैं। ये सीट कट जाती है, फिर डीजल उतरना ही उतरना। और ये दोस्तों राकर की सीट है, ये कट जाती है तब इसको फिर इसकी सीट लगवाई जाती है। खराद पर ये लगती है, अपने यहाँ से नहीं बनती है। अब दोस्तों इसका हम सोल्यूशन बता रहे हैं आपको। ये प्लंजर की सीट है, इस पर बारीक वाला धागा लपेटा जाता है, जिसको पेचक बोला जाता है, जिससे कपड़े की सिलाई होती है। इसको कम से कम आपको हम बता रहे हैं 20 से 25 राउंड इस पर लपेटा जाता है। वो तो दोस्तों पंप की सीट के ऊपर डिपेंड करता है कितनी कटी है। इसको सीट में डालेंगे और प्लंजर में एक छेद होता है, उसकी भी सीट होती है, उसी में जाकर वो बैठता है। ये हमेशा आप ध्यान रखिए,
ये अब हम प्लंजर के ऊपर डेब्री वाल डाल रहे हैं। कहीं कहीं लोग इसको कमरख भी कहते हैं। ये बिंजो हम इसको टाइट कर देंगे। इसको फुल टाइट कर देंगे, फिर नीचे का सिस्टम बांधेंगे। अब दोस्तों हम बाड़ी में डालेंगे राकर। ये राकर डाल दिए हम इसमें। दोस्तों ये भी हम बता रहे हैं राकर में, और जो इसमें गड़ारी डाली जाती है उसका दोनों का भी एक टाइमिंग होती है। अगर वो टाइमिंग इधर उधर हो जाएगी तो या फिर स्टार्ट नहीं होगा या फिर बंद नहीं होगा इंजन। ये देख टाइमिंग डाली जाती है। जैसे दोस्तों कैम ये देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, ये टाइमिंग है इसकी। और इसी प्रकार हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें भी टाइमिंग बनी हुई है। प्लंजर भी सीधी दिशा में डाला जाता है। अगर सीधी दिशा में नहीं पड़ेगा तो फिर पंप उल्टा काम करेगा। बंद करोगे तो चलेगा और चलाओगे तो बंद हो जाएगा। इसलिए प्लंजर का साइड देखकर ही डालना चाहिए। यह प्लंजर लॉक है। ये इंटरनल टॉप है। अब इसको दाब के इसी में हम कोई भी चीज़ लगा देंगे। इसके बाद में हम मेन लॉक लगाएंगे। ये दोस्तों सेफ्टी लॉक लगा होता है इसमें, हार्ड तार का बना होता है। ये हल्का पुश करके इसको हम निकाल देंगे। अब इसमें हम डीजल लेकर इसको पहले चेक कर लेंगे कि ये काम सही कर रहा है नहीं कर रहा है। अगर बांध कर चला देंगे, अगर उल्टा बंद जाएगा तो फिर इंजन बंद नहीं होगा या फिर स्टार्ट नहीं होगा। इसको बाहर ही चेक कर लेंगे। दोस्तों पुश करने पर डीजल दे रहा है। डीजल इसमें आ गया था और हमने इसको इंजन पर बांध कर देख रहा है। बंद करो, अब बंद करो और भी। तो आप देख सकते हैं बंद करने पर बंद हो रहा है, खोलने पर डीजल आ रहा है। इसलिए पंप ये सही है। दोस्तों अब इसमें बिल्कुल भी डीजल जो मोटर में करता है वो बिल्कुल 100% ही बंद हो जाएगा। अगर आपके इंजन में दिक्कत है तो आप ये करके देख लीजिए, 100% ये बंद होगा। अगर नहीं होगा तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। घुमाओ कुछ क्या। फिर अगर मार्जिन जाम चल रहा है तो पहले स्टार्ट करने से पहले हल्का मिला लेंगे उसको सेटिंग पर।